हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुलदीप त्रिवेदी। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली में लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर कार्यरत हूँ। आपका स्वागत है जीपीसी पाली के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग समझने जा रहे हैं डोंट केयर कंडीशन फॉर के मैप। तो ये टॉपिक, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि के मैप में अगर डोंट केयर कंडीशंस आती है या जो बुलियन कोई भी हमारे पास में जो कंडीशंस है उसमें अगर डोंट केयर कंडीशन कोई होती है तो उसको हम के मैप सिंप्लीफिकेशन में कैसे उपयोग में लेते हैं, तो देखते हैं। तो अब हम समझना चाह रहे हैं कि डोंट केयर कंडीशन क्या होती है, के मैप के केस में डोंट केयर कंडीशन क्या होती है और उसको कैसे यूज में लेते हैं। तो ये देखिए आप, समटाइम द सिचुएशन अराइज इन विच सम इनपुट वेरिएबल कॉम्बिनेशंस आर नॉट अलाउड। यहाँ पे कुछ इनपुट कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो अलाउड नहीं होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल बताया हुआ बीसीडी कोड, तो हम जैसा कि जानते हैं बीसीडी की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसमें कि 0 से लेके 10 तक के नंबर होते हैं, 0 से लेके 9 तक होते हैं टोटल, तो टोटल 10 नंबर होते हैं। अब हम ये जानते हैं क्योंकि जो बीसीडी कोड होते हैं इसमें 4 डिजिट होती है, तो क्योंकि 4 डिजिट से कुल मिला के 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, पर क्योंकि बीसीडी में केवल 10 तक ही अलाउ है इसलिए जो रिमेनिंग कॉम्बिनेशन है 10 के अलावा वो सारे आपके अलाउ नहीं होंगे, इसलिए इसमें 6 इनवैलिड कॉम्बिनेशन है जो कि 9 से आगे वाले हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 9 से आगे वाले जो इनवैलिड कॉम्बिनेशन है, तो ये सारे वो वाले कॉम्बिनेशन है जो कि नॉट अलाउड है। सिंस दीज अनअलाउड स्टेट विल नेवर ऑकर इन द एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग इन बीसीडी कोड, दे कैन बी ट्रीटेड एज ए डोंट केयर टर्म्स। तो ये कभी भी इसमें अलाउ नहीं होंगे इसलिए इनको हम डोंट केयर में लेते हैं। डोंट केयर टर्म्स कैन बी यूज टू एडवांटेज इन के मैप। तो आप ये कह रहे हैं कि जो डोंट केयर कंडीशन है उसको के मैप से हम कैसे टेकल करते हैं, आप देखिए। तो यहां पर इन्होंने बीसीडी के लिए बताया हुआ है कि डोंट केयर कंडीशन को कैसे यूज में लेते हैं। तो आप देखिए इसमें 0 से लेके, ये 0 हो गया पहला, सबसे पहला 0 है, उससे लेके 9 तक, ये वाली जो स्टेट है 9 की है, यहां तक के लिए जो बीसीडी कोड है वो तो है पर इसके आगे ये अलाउ नहीं होते हैं जो 9 से आगे वाले हैं, 10 से लेके ये 15 तक, तो ये नॉट अलाउड है। इसके लिए हम यहां पे एक्स रख देते हैं, एक्स को यहां पे हम डोंट केयर कहेंगे, ये डोंट केयर कंडीशन है। तो इसको जब भी हमें सॉल्व करना है, जैसे यहां एक बीसीडी कोड दिया हुआ, ये इनपुट की तरह बीसीडी कोड है और ये इसके लिए आउटपुट है, तो आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पे बीसीडी कोड के लिए जो आउटपुट आ रहा है और जो जो इनवैलिड कोड्स है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन है, उनके लिए हमने एक्स रख दिया है, इसको हम के मैप में पुट कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे केवल 1, 1 और 1, यहाँ केवल 3 जगह 1 आया हुआ है, तो ये 3 1 हमने पुट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे, और जो रिमेनिंग एक्स है उनको हम एक्स को यहाँ पुट कर देंगे। अब इसमें खास समझने वाली बात ये होती है कि जो यहाँ एक्स दिए हुए हैं जो डोंट केयर स्टेट्स हैं, उनको भी हम के मैप के कॉम्बिनेशन बनाने में, मिनिमाइज करने में यूज में ले सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक्स को यूज करके हमने 8 का एक कॉम्बिनेशन बना दिया है, उससे हमारा जो टर्म है और एसओपी है वो और मिनिमाइज हो जाएगी। तो इन 8 का एक कॉम्बिनेशन बन गया और उससे आपको मिला है केवल ए, क्योंकि 8 का बना है इसलिए इससे पूरा ए बन गया, तो ये ए आ गया देखिए, क्योंकि अपन ने इसको 8 का ग्रुप बनाया इसलिए, और सिमिलरली यहाँ पे दूसरी टर्म आ गई।